भाई दो बांगा जल गए, अच्छा तीन चार बटिया उड़ा जल गए, सिर से जल गई, लकड़ी जल गई, कूड़ा जल गए, हेरून का पहिया वहिया सब जल गए, ये दो भैंस जल गई, बढ़िया जल गई। हाँ काफी नुकसान हुआ है, बहुत काफी नुकसान हुआ भाई। आपका ही नुकसान हुआ या मेरा ही हुआ भाई? काय को नुकसान? और गांव में और किसी का नहीं हुआ? मेरा हुआ भाई, गांव बस्ती में पराली हुआ भाई मेरा। अपनों को बता रही हूँ मैं तो, मैं तो अपनों बता रही हूँ भाई। सबन के जड़े पर सरकार प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहती है भाई? जो भाई मदद मिल जाए भाई, अल्लाह भाई वो गरीब आदमी है भाई हम तो। समीना क्या नुकसान हुआ है आपका जो आग लगी है? भाई मेरा चार पाँच बोंगा जल गए, पाँच छः पाँच पाँच चार पाँच लकड़ी इधर सारो जल गो, चार पाँच बटियोड़ा जल गा, हाँ सारो इधर खत्म है, कुछ ना। तो आपका ही नुकसान हुआ है गांव में और कुछ? हाँ, बहुत भाई बहुत काफ़ी नुकसान है, पूरा गांव में पूरा मोहल्ला में काफ़ी नुकसान है। नुकसान होने का वजह मशीन आई है पानी की, जो आग लगी है किस कारण लगी है कुछ पता चल पाया? हाँ भाई जगह भी कोई पता नहीं, हाँ नहीं कोई पता नहीं अभी। तो प्रशासन की तरफ से क्या मांग? हाँ आपकी मांग है भाई, या को गरीब आदमी है या को या की जांच करें, और जांच करके नहीं या बात की भी जांच करें। अब भाई उधर लो आग बुझाने मशीन आई है, वहाँ पे गुत्थम गुत्थम मच रही है, लोड पत्थरी आग चल रही है, झगड़ा भी हो, झगड़ा हुआ, गरीब आदमी बेचारा भाग गया अपने घर में। सिर्फ मैं एक बुजुर्ग बुढ़े आई हूँ, तो उसने किसी ने कुछ नहीं कही है, मैं मरने के लिए ही आई हूँ। झगड़ा तो होगा वो हसन को महल पे चढ़ा दियो। खिचम खिचा खिचम खिचा कू तो मरे होगी, एक बार मन तो घर पड़ी है, वो गोडी मारी मर्दन हसन ने। मेवात के कुछ गांवों में आग का कहर, लाखों रुपए का नुकसान, दमकल वाहनों ने किसी तरह पाया काबू, कई जगह मवेशी भी चपेट में आए, पीड़ितों ने की मुआवजे की मांग। दरअसल पुनाहना जिले के कई गांवों में आग लगने के कारण अलग अलग जगह पर आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल गया है। गांव राहड़ी, मोहम्मदपुर, अहीर, कांगर का नई बिछोर, तिरवाड़ा, हाजीपुर, गोलपुरी, अटेना के अलावा सलम्बा गांव में आग ने कहर भरपाया है, जिस पर काबू पाने के लिए पुनाहना के अलावा नूह फिरोजपुर झिरका गाँव में दमकल वाहनों को बुलाया गया। गोलपुरी गांव में आग से चारा जल गया। ग्रामीण साजिद हुसैन ने बताया कि रविवार दोपहर ट्रांसफार्मर में हुई शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे चारों के चार ढेर जल गए, ऐसे करीब 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। अटेना शमशाबाद में भी कई मवेशी आग से जल गए हैं, गनीमत रही कि जान माल की हानि नहीं हुई। ग्रामीण ने जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग की है, ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इस बार गर्मी शुरू होते ही आग की घटनाएं होने लगी थी। उधर पुनाहना उपमंडल के गांव नई में रविवार दोपहर आग लग गई, जिससे चारा, लकड़ी और उपले आदि जल गए, कई मवेशी भी आग की चपेट में आ गए। गांव नई निवासी वसीम ने बताया कि आग लगने से भूसे के 40 बोंगे, उपले के 50 बटेवड़ा तथा करीब 50 घरों का ईंधन जल गया। आग की चपेट में गाँव के जाकिर, उदयवान, अंजुम, जमशेद, मगरू, अमरुदा, सुबद्दी, फजरू, कुर्सीद, सेमिया, शमशेर, रईस, ममरेज, अंसार, फैसल, जर्री, हरी सिंह, हसन, आदिल, रिजवान को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई लोगों के मवेशी भी सुलझ गए हैं। उन्होंने बताया कि जब तक दमकल गाड़ी आती है तब तक सब कुछ जल जाता है। गाँव सिंगार से जले दो ट्रैक्टर, पुनाहना उपमंडल के गाँव सिंगार में आग से दो ट्रैक्टर जल गए, वहीं दो भैंस भी सुलझ गई हैं। इसके अलावा करीब 75,000 रुपये का भूसा भी जल गया है। उत्तर प्रदेश स्थित गांव साचौली निवासी उमर मोहम्मद ने बिछोर पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह अपने रिश्तेदार राजेंद्र के ट्रैक्टर को लेकर सिंगार गांव में ईख की बुआई करने आया था। उसने काम करने के बाद उजर मोहम्मद के घर के सामने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, अचानक ही ट्रैक्टर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर पूरी तरह से जल गया, पास में ही मोरमल खान का खड़ा ट्रैक्टर भी जल गया। इसके अलावा नूर मोहम्मद की दो भैंस भी जल गई। बिछोर थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित की शिकायत मिल गई है, मामला दर्ज किया जा रहा है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। क्या नाम आपका? इज्जत रसीब भाई। क्या? इज्जत रसीब। रसीब जी क्या समस्या आ रही है आपको जो आग बुझाने में? सर समस्या ये है कि सबसे पहले तो यहाँ आग, हम मान रहे हैं कि आग बड़ी है,
पर क्या है कि अब हर घर वाला ये चाह रहा है कि सबसे पहले मेरी आग बुझ जाए, दूसरे की जलती है तो जलता रहे, दूसरा हमें हमारा पाइप से हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें अगर काम करने देते तो शायद ये आग अब से पहले बुझ चुकी होती। पर क्या कर रहा है, अपना एक घर वाला अलग अपना पाइप लेके चला गया, हमारा पाइप खींच के ना हमें पाइप पकड़ने दे रहे, ना हमें आग बुझाने दे रहे। अगर हम उसके घर पे जाएं तो वो घर हमें मारने को भाग रहा है कि भाई उसकी आग क्यों बुझा रहे हो, ये आग नहीं है। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? झगड़ा तो हमें नहीं पता, ये तो गांव लेवल का इनका अपना पहले से क्या है क्या नहीं है इनके, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर बात ये कि हमें हमारा काम है आग बुझाना। नुकसान तो अब यहाँ शायद 15-20 लोगों का तो होगा ही कम से कम, क्योंकि इकट्ठा सारे गाँव का है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी ये तो जब लास्ट में जब हम देखेंगे अभी, क्योंकि हमारी गाड़ी अलग लग रही है, एक होटल फायर ब्रिगेड से हमने गाड़ी मंगा रखी है, दूसरी वो दूसरे साइड में लग रही है, जब इकट्ठा सारा वो आकलन किया जाएगा तब ज़्यादा अच्छा पता लग पाएगा कि कितना इसका नुकसान है क्या है। सर पानी की ये समस्या है, पानी हमारी गाड़ी पहले 3 गाड़ी पानी मार चुकी है, जब हम पानी भरने जाते हैं उधर तो वो ट्यूबवेल वाला पानी नहीं भर रहा, इधर से पानी खलवा तो अपने अपने घर पे सारे रहे हैं पर चलने को कोई तैयार नहीं है, कि हमारे पास कोई है इंतजाम या हम भरवा के लाएं क्या करें क्या ना करें, उधर वो पानी नहीं भर रहा, इधर ये खींचने को तैयार है। अब ये तो ये गाँव लेवल की थोड़ी सी वो है, गाँव में किसी को या तो किसी का पर्सनल हो, किसी का मिलने वाले का हो, या कोई चल के पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ, अभी क्योंकि पुलिस प्रशासन दूसरी साइड है, हम यहाँ लग रहे हैं ऐसी, उस पर कोई अभी हमारे साथ पुलिस प्रशासन नहीं आया कि हम चलें पानी भरवाने या क्या है क्या नहीं है, आपको क्या समस्या आ रही है, कोई हमारे पास नहीं आया है। जी क्या नाम है आपका? आरिफ है जी। गांव कौन सा है? नहीं है जी। आरिफ जी किस कारण ये आग लगी है नई गाँव में और भाई नुकसान हुआ है? कारण की तो पता ना, ये जब देखे धुआं धुआं उठ रहे और भाई हमारे 4 बोंग आए थे, हम जड़ गए हमें बिल्कुल। और भाई नुकसान हुआ इसमें? भाई मेरा 4 बोंगान में तूड़ो डेढ़ किला को। अच्छा आप ही के थे या और भी इसमें थी? ना मेरे भतीजन के। हाँ टोटल कितना नुकसान हुआ होगा? टोटल जी कम से कम या मैं टोटल तो कम से कम कम से कम या मैं 50 बोंगा है जी। और नूलू भी जड़े हैं, बिटोड़ा बोंगा, लकड़ी ऊपड़ा। और किसी घर में कोई आग? हाँ ये तमाम छत जड़ गई जी। हाँ मकान किसी पशु या किसी? हाँ जी एक भैंस भी जड़ गई है। कभी आग लगी थी? यू जी ऐसे लगी कोई 12:30 बजे से। फिर आपने दमकल विभाग को क्या सूचना दी थी? तुरंत फोन करो जी, एक डेढ़ घंटा पीछे आइए जी, बहुत लेट आई बात पहले तो। फिर 112 वाले फोन करो, वो पहले आ गए हैं, फिर वन ने फोन करो बस, एक मशीन आई और अभी तक आज बुझी कहाँ नहीं, और आज भी अभी तक आग ना बुझी, आप देख रहे हो जी धुआं धुआं हो रही है। इतनी पुलिस फोर्स यहाँ पे आई है, सीआईए जो टीम है वो भी इसमें, सीआई टीम भी आ गई जी, 112 वाले भी आ गए जी। पुलिस फोर्स जो आई है क्या कारण रहा है जो पुलिस फोर्स यहाँ आई है? यहाँ तो दमकल विभाग का काम है, क्यों पुलिस आई? कोई झगड़ा हुआ है आपसे? कोई नहीं, आपसे तो कोई झगड़ा ना हुए जी, वह टाइम तक कोई ना हुए, पीछे हो गो जी, पीछे ऐसे हुए जी झगड़ो, वहाँ में वनड़ी पकड़न डू जी, एक केरो ही रुक जा, अपनी अपनी पड़ रही थी मशीन के कारण हुई हो जी, एक ही मशीन आई है, आग ज्यादा फैल गई। अच्छा दोनों में खिचम खिचा हो गई? हाँ जी, फिर वो हमें बीच बचाव भी हो गए, फिर बुझा बुझी में भी लगे हैं, गांव वाले ने सहयोग करो है बुझाने में, टैंकर वाले निब करो जी। क्या नाम आपका? साकिर हुसैन। साकिर जी किस कारण ये आग लगी है, कितना नुकसान है? ऐसा हो जी कोई कारण का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन तकरीबन यहाँ 50 बोंग हैं तो उनमें तकरीबन कोई 5-6 लाख रुपया का तो नियार ही नियार जुड़ा, और यहाँ नज़दीक के जो मकान है उनमें भी आग लग गई अंदर, बीच बचाओ मिला के करो, और भाई वहाँ एक भैंस थोड़ी सी हल्की सी वो भी जड़ी है। हाँ भैंस भी जड़ी है, और का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा, मकान में भी टेढ़ा आग हो रहा है, मिला के काफ़ी सारा नुकसान हो। जानी तो कोई ना हुआ, जानी माली नुकसान हुआ है, माली नुकसान अगर देखें हिसाब लगाएं तो कम से कम 15-20 लाख का नुकसान है। अच्छा, हाँ तो सरकार से प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? ये कैसे हो जी, जो गरीब आदमी है जी, इनके जो मौका जड़े हैं, जिनके भाई इनके नुकसान हुए उनके लिए भाई आर्थिक सहायता मिल जाए भाई, जो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जो ये गरीब आदमी न्यार कहाँ से खरीदेंगे, इनके लिए पैसा अगर मिल जाए तो बेचारे न्यार भी, नहीं तो भैंसन नहीं बेचेंगे ये तो भाई।